नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि चीन ने एक मस्जिद को शौचालय में परिवर्तित कर दिया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन एक नहीं बल्कि कई मस्जिदों को टारगेट किए हुए है और उन सभी मस्जिदों को टॉयलेट बनाने की योजना चल रही है, वो भी एक मिशन के तहत। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। पिछले कुछ वर्षों में चीन के भीतर उइगर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर होने वाला अत्याचार काफी बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इसी कड़ी में चीन वहां पर स्थित उनके धार्मिक स्थल भी नष्ट करता रहा है। हाल ही में चीन के सिंजियांग प्रांत के आतुस नामक स्थान पर स्थित एक मस्जिद को नष्ट किया गया था और वहां शौचालय का निर्माण कराया गया था। ताजा मामला चीन के ही यिनचुआन प्रांत का है। यहां अरब शैली में निर्मित मस्जिदों को तोड़ दिया गया है, उनके गुंबदों को गिरा दिया गया है। टेलीग्राफ में प्रकाशित खबर के अनुसार पूरे चीन में इस तरह की गतिविधियां एक अभियान के तहत हो रही हैं। चीन के निंगजिया प्रांत की राजधानी यिनचुआन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ चीन के हुई जाति के अल्पसंख्यक रहते हैं। इस जगह की मुख्य मस्जिद के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन देखा गया है। इस क्षेत्र की नुआंगन मस्जिद जो देखने में सुनहरे रंग की थी, उसके ठीक ऊपर प्याज के रंग का गुंबद था जिसे फिलहाल नष्ट कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मस्जिद के भीतर सजावटी मेहराब इस्लामी शैली की फिजरी और अरबी लिपि में उकेरे गए शब्दों को भी मिटा दिया गया है। फिलहाल इस मस्जिद की स्थिति कुछ ऐसी है कि इनकी पहचान करना तक मुश्किल है और यह तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा सकता है। इन तस्वीरों में इस बात की पहचान कर पाना मुश्किल है कि नया ढांचा मस्जिद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लिनेक्सिया में स्थित लिटिल मक्का नाम से मौजूद इस्लामी धरोहरों को भी लगातार नष्ट किया जा रहा है। चीन में इस तरह के धार्मिक अत्याचार और सामाजिक उत्पीड़न की खबरें नई नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के सिंजियांग प्रांत में लाखों मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा गया है। वहां उन पर तमाम तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इसके अलावा वहां के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं का अनुसरण करने पर कड़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। वहां दाढ़ी बढ़ाना, रोजा रखना और यहां तक कुरान पढ़ना भी सभी को संदिग्ध गतिविधि के दायरे में रखा गया है। इस मुद्दे पर अलग अलग जानकारों के अपने अपने मत हैं। कुछ का मानना है कि चीन की जिनपिंग सरकार का रवैया नकारात्मक है, इसका लोगों पर भयावह असर पड़ रहा है। इससे चीन का एक वर्ग कट्टरपंथ की ओर आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।